जय श्री राम, राम राम, नमस्कार, स्वागत है। नई निमौली 2023, जिसे अभ्यर्थी काला कानून मानते हैं, एक तरह से कहा जाए तो आकर्षक वेतन लोभ देकर नियुक्ति पत्र के बदले प्रवेश पत्र जैसी बातें हैं। तो इसके पुरजोर विरोध किए जा रहे हैं, शिक्षक संघ हों या फिर शिक्षक हों, शिक्षक अभ्यर्थी हों, यहाँ तक कि छात्र छात्राओं के लिए भी बातें स्पष्ट की हैं, कड़ी चुनौती है। और कई नेताओं के द्वारा भी आवाज़ उठाए गए हैं, सत्ता पक्ष के भी हों, जैसे बात करें तो सत्ता पक्ष के भी कई नेता द्वारा भी बातें स्पष्ट की गई हैं। अब बातें करने वाले हैं जो बड़ी खबर में हैं, जो विपक्ष के बात कर रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी सुशील कुमार मोदी जी, तो अभी बातें स्पष्ट की जा रही हैं, कई खुलासे किए गए हैं और इससे पहले भी कई बार बातें किए भी हैं। तो एक तरह से संक्षिप्त में बात करें तो कई तरह के जो शिक्षक के भी वर्ग हो जाएंगे, जैसे कि पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, जो पुराने वेतनमान की बात करें तो वेतनमान जैसे पुराने में काफ़ी अधिक हैं जो आयोग से नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा जो इधर के जो शिक्षक हो जाते हैं, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक हो जाते हैं, इसके अलावा और भी कई वर्ग हो जाते हैं, जैसे कि बात कर रहे हैं कई वर्ग में जो इधर भी जो पास करेंगे बीपीएससी परीक्षा, जो परीक्षा में शामिल ही नहीं होंगे और जो परीक्षा पास नहीं कर सकेंगे, तो कई वर्ग हो जाते हैं। और अलग अलग वेतनमान पर जो कि शिक्षकों की बहाली एक तरह से कहा जाए तो लड़ाने वाला बातें जो स्पष्ट किए हैं, तो ये बातें आ जाती है सामने। इसके अलावा जो फोटो सेशन के बारे में बातें के जो 10 लाख नौकरी और रोजगार की बातें करते हैं और यहाँ भी तो प्रवेश पत्र की बातें कर देते हैं, तो फोटो सेशन अर्थात जो पहले से जो लोग नियुक्त हैं उन्हीं को बार बार फोटो सेशन के तहत नियुक्ति पत्र दिया जाना, जैसे कि पहले एक बार सुने भी थे जो कि कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी इस टाइप में जो कि खबरों में बनी हुई थी फोटो सेशन वाली बातें, तो इसका भी जिक्र किए हैं। तो ये बातें हैं, तो इसमें जो पहले नियोजन और ये बातें कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी 4 साल से लगातार इंतजार कर रहे थे 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी, तो पहले क्या होना चाहिए, पहले जो 6ठे चरण जैसे बहाली प्रक्रिया हो जाए, शिक्षक बन जाए, उसके बाद 7वें चरण में भी वही बातें हैं, 6ठे चरण जैसे बहाली प्रक्रिया हो जाए, उसके बाद जो यदि करना हो राजकर्मी के लिए तो किया जाए, वैसे वेतन वृद्धि कर दी जाए और सभी एक ही टाइप के रहेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी सुशील कुमार मोदी जी यह भी बातें स्पष्ट कर रहे हैं, जो वेतन का जो प्रावधान बजट में नहीं किए गए हैं, तो ऐसे में बहाली प्रक्रिया कैसे संभव हो सकती है। एक तरह से कहा जाए, आप लोग देखते हैं बार बार जो प्रवेश पत्र ही मिल जाते हैं, जैसे कि ST 19 की बातें करें, कई बार परीक्षा हो चुके हैं, तो ये भी बातें हैं। अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, अभ्यर्थी पहले 6ठे चरण जैसे बहाली प्रक्रिया हो जाए, उसके बाद में जो बातें हों। नियमावली 2023 काला कानून क्यों, देख सकते हैं आप लोग ये जानकारी। किस विषय में कितना कंपटीशन आप लोग देख रहे होंगे, 5425 पद हुए हैं, अधिकतर विषय की बात कर रहे हैं, गणित, अंग्रेजी, सोशल साइंस, साइंस, ये सब में 5425 पर। तो जी बिल्कुल, ये जो पहले के जो नियुक्त एवं कार्य शिक्षक हैं वो भी आ सकते हैं बिल्कुल ही, जैसे UPSC में आप लोग देख सकते हैं जो प्राप्त के बावजूद भी फिर से अप्लाई करते हैं। पद की संख्या आप लोग देख रहे होंगे, देख लीजिए आप लोग सभी विषय में पद की संख्या।
वेतनमान भी देख सकते हैं। पूरा बिहार नवाचार वर्ग में ही अधिकतर बिहारवासी आ जाते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री के बात भी सही नहीं, पूर्व शिक्षा मंत्री हो या फिर ये कैसे हो सकता है, बड़ा अन्याय हुआ है, घोर अन्याय।